आपकी नजर। हंसो मत, गाओ मत। अक्षु थैंक यू, थैंक यू मुझे चुनने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टाइम वेस्ट मत कर बेटा, जा, इंतजार कर रहा है वो। अभिमन्यु एक बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन इस वक्त उसकी अच्छाई गुस्से के बादलों में छुपे चांद की तरह, जैसे ही बादल छट जाएंगे ना, देखना सब बाहर निकल आएगा। मतलब यही, जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, क्या पता वो अपने कहे पे दोबारा सोचेगा और अपना फैसला बदल लेगा। लेकिन फिलहाल तुम्हारा उसे हाँ कहना सबसे ज्यादा जरूरी है अक्षु, और अगर तुमने इस वक्त ऐसा नहीं किया तो इस चांद के निकलने की संभावना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ अक्षु, हो सकता भी मैंने इस समय बेटे की तरह ज्यादा और पार्टनर की तरह कम सोच रहा हूँ। अक्षु, हमें उसे समय देना चाहिए, पर ऐसे रोक कर उसे जाने दिया तो ना ही समय लौट कर आएगा और ना ही अभिमन्यु। जा अक्षु। हाँ अक्षु जा, वो तेरा बाहर वेट कर रहा है। कहा था ना मैंने, जिस दिन सच बाहर आएगा सब कुछ बिखेर कर चला जाएगा। तेरा क्या जा रहा है, तेरे पास तो अभी भी चॉइस है ना, जा कर ले जो परिवार वाले कह रहे हैं और मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। अरे तू भी जाती है, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो नहीं जा रही है? जा रही हूँ, जाना ही चाहिए मुझे। इतनी गलतियां कर चुके हैं हम, कभी चुप रह के, कभी चीजें छिपा के, इतनी बातें छिपाई है हमने। अभी के प्यार को मैंने हर बार नीचा दिखाया है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं अपनी, उसकी और सबकी नजरों में इस बार इस प्यार की ड्यू रिस्पेक्ट दिलवा कर रहूंगी मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती या तेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई मेरी लाइफ में। मैं बस अपनी गलतियां सुधार रही हूं। अभी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूं। काश ये सब हुआ ही ना होता, आज मुझे ये फैसला नहीं लेना पड़ता। एक बात कहूंगा तो मुझे पागल तो नहीं समझोगी? I still can't believe, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुमने इतना वक्त लगा दिया। मैं डर गया था, मुझे लगा तुम। But thank you for choosing me. I promise, तुम अपनी चॉइस के ऊपर कभी रिग्रेट नहीं करोगी। तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। और तुम? मैं भी, पर सच कहूँ तो अभी कोई सफाई मत देना। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी तरह ना अपने दिल को समझ सकती हूँ ना तुम्हारे, इसलिए बस थोड़ा समय लगता है मुझे डिसीजन लेने में। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब कब प्यार करती। I hope you trust me. मैं जो कर रहा हूँ हमारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। आई होप ये ट्रस्ट हमेशा बना रहे। मैं बहुत खुश हूँ अक्षु कि तुमने मुझे चुना, लेकिन काश तुमने ये जवाब तभी दे दिया होता। और मैं जानता हूँ कि इसका रीजन भी तुम्हारी बहन ही है। तुम्हारी और आरू के बीच किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अभी कान्हा जी, मुझे मेरे दोनों रिश्ते बहुत प्यारे, प्लीज सब ठीक कर दो प्लीज। देखा ना मामा, मुझे कितनी बड़ी सजा मिल रही है। वो एक्सीडेंट तो मैंने जानबूझ के किया भी नहीं था, फिर भी कोई भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा।
आज फिर सबने अक्षु को चुना, उसकी खुशियां चुनी और अक्षु भी, अक्षु ने भी अभिमन्यु और मेरे में से अभिमन्यु को चुना। आपकी बेटी एक बार फिर अकेली रह गई मम्मा, एक बार फिर अकेली रह गई। अक्षु तो शादी करेगी, खुश रहेगी, और मैं उसकी शादी अटेंड भी नहीं कर सकती। चले, यहां सबसे बड़े हम हैं। अगर हम कुछ कहेंगे तो उसका मान तो रखोगे ना? जी कहिए ना माँ जी। आज जो भी हुआ उसे हम भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे, बिना एक पल गवाए। हाँ माँ जी, अभी और अक्षु की मेहंदी में हम ऐसा रंग जमाएंगे ना कि बाकी सारे रंग फीके पड़ जाएंगे उसके सामने। ये शगुन तो बहन को ही करना होता है ना। उस दिन अक्षु ने किया था, आज मैं कर रही हूँ। डोंट वरी, मैं यहाँ पे पूरी मेहंदी में नहीं रुकूंगी, सिर्फ शगुन करने आई थी। और आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे बिना। अभी शायद आप लोग गुस्से में मेहंदी कर भी लेते, फिर बाद में कहते कि एक ही रसम करनी थी आरू को, वो भी नहीं की। आरू, मैं तेरी बात नहीं कर रही अक्षु, मैं तो तेरे होने वाले पति की बात कर रही। उन्हें ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे जबरदस्ती के मेहमान बन रही हूँ और बहन होने का फर्ज भी नहीं निभाया। और हाँ, तुम्हारी दुल्हन की मेहंदी तब तक परफेक्ट नहीं होगी जब तक दुल्हन की बहन शगुन करके नेक नहीं ले लेती। अब इसके लिए भी सजा देनी है तो दे दो। शगुन के लिए सजा नहीं दी जाती, शगुन के लिए नेक दिया जाता है। थैंक यू, थैंक यू। अब प्लीज ये जो भी आपकी रस्म है ये शुरू करें, मतलब दोपहर से शाम हो गई है एक रस्म के पीछे, इतना वक्त नहीं होता हमारे पास। जी बस शुरू कर ही रहे। अक्षु चला जा। चलिए माँ जी। ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारी शादी का हिस्सा आरोही बिल्कुल नहीं होगी। शगुन के लिए सजा नहीं दी जाती, शगुन के लिए नेक दिया जाता है। थैंक यू। ड्रामा बंद कर। क्या तुम खुश हो ना अपने फैसले से? तुम्हें क्या लगता है मैं खुश नहीं हूं? सवाल के बदले सवाल, मतलब या तो जवाब नहीं है या जवाब छुपा रही हो। मेरे पास छुपाने को क्या है अभी? मुझे क्या पता। अब कौन कर रहा है सवाल के बदले सवाल? अभी कुछ देर पहले हमने ट्रस्ट और इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी ना। अक्षु मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ, कुछ देर पहले जो हम बड़ी बड़ी बातें की थी वो सिर्फ बातें हैं, उनका कोई मतलब भी था? तुम्हारा दिल क्या कहता है? यही तो प्रॉब्लम है, तुम सामने आती हो तो दिल कहना सुनना सब छोड़ देता है, सिर्फ धड़कता है जोर जोर से। तो उससे कहो कि कंट्रोल करे और पूछे कि अभी का दिल क्या सुनना चाहता है। ये जानना चाहता है क्या मेरी अक्षु अपने फैसले से खुश है, और अगर नहीं है तो अभी के अभी अपने अभी को बताए प्लीज। क्या हुआ? सुना नहीं दिल ने? दिल के डॉक्टर हो, दिल की बात नहीं समझ पाते? प्लीज घुमा फिरा के मत कहो, साफ साफ रुक साफ साफ पूछो तो। मेरे लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्या तुम अपने फैसले से खुश हो? क्या मुझे चुन के खुश हो तुम? मैं बहुत 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 खुश हूँ अभी, पर खुश होने का मतलब दुख कम होना नहीं होता। दुख का असर जाने के लिए थोड़ा समय लगता है, और वो समय हमें एक दूसरे को देना होगा। अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।